हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए सुनते हैं इस कहानी को। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, मैं तुरंत अपने कमरे से उठकर छत पर चली जाती हूँ। पूरी रात छत पर गुजारने के बाद सवेरे मुझे पता चलता है कि मैं तो छत पर हूँ और मेरे पूरे शरीर पर खरोंच के निशान होते थे। आखिर पूरी रात मेरे साथ क्या होता है और मुझे ऐसा क्या हो जाता है कि मैं अपने होश गंवा देती हूँ और सीधा छत पर आ जाती हूँ। एक दिन मैंने घर में कैमरे लगवा दिए, उसके बाद तो देखा कि मेरा नाम सपना है। इकलौती बेटी होने की वजह से सब लोगों का ध्यान मुझ पर ही था और सब लोग मुझसे ही लाड दुलार करते थे। मेरी किसी भी चीज में कोई कमी नहीं आने दी। खाने पीने से लेकर कपड़ों तक मेरी हर तरह की जरूरतें पूरी होती थी और महंगी से महंगी चीजें मेरे लिए उपलब्ध होती थी। और दिखने में भी मैं बहुत ज्यादा सुंदर थी। घने लंबे बाल और गोरा रंग होने की वजह से सब लोग मुझे परियों से भी सुंदर कहकर बुलाते थे। और इसकी एक वजह यह भी थी कि मेरी माँ एक सरकारी डॉक्टर थी, जिसकी वजह से वो पार्लर में जाती रहती थी और साथ में मुझे भी ले जाती थी। और अब यूं हर रोज पार्लर में जाना और अपनी पूरी बॉडी के केयर की वजह से मैं दिखने में इतनी सुंदर हो गई थी कि हर कोई मुझ पर फिदा हो जाए। लेकिन मैंने अपने माँ पिताजी की इज्जत को नजर में रखते हुए कभी भी कोई गलत काम नहीं किया। घर में मेरे माँ पिताजी और मेरे दादाजी रहते थे। मेरी दादी जी बहुत पहले ही गुजर गई थी, शायद उस समय तो मैं पैदा ही ना हुई थी। मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन थे। हम लोग हंसी खुशी अपने परिवार में जी रहे थे। अपने दादाजी की मैं सबसे लाडली थी और वे जब भी बाहर जाते तो मुझे साथ में लेकर जाते थे। और कभी कुछ भी घर में खाने की चीज आती तो दादाजी सबसे पहले मेरे लिए बचा कर रखते थे और स्कूल से आने के बाद मुझे दे देते थे। फिर ऐसे ही दिन निकलते गए। अब मैं अपना स्कूल पास करके कॉलेज में चली गई थी। घर में इतना लाड दुलार मिलने की वजह से और अच्छा खान पान होने की वजह से मैं अपने शरीर में इतनी अच्छी थी कि सब लोग मेरी तारीफों के पुल बांधा करते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब सब लोग मुझे इतनी सुंदर और अच्छी कहकर बुलाते थे। पूरे कॉलेज में सभी लड़के लड़कियाँ मेरे आगे पीछे घूमती थी और कहती थी कि आखिर ऐसा क्या करती हो जिसकी वजह से तुमने अपने पूरे शरीर और चेहरे को इतना निखार में ला के रखा है। लेकिन मैं हर बार हंसकर टाल देती थी, क्योंकि इस चीज का राज तो मैं भी नहीं जान पाई थी। वैसे भी किसी चीज को खाने पीने से नहीं, बल्कि भगवान जिसको रंग रूप अच्छा दे देते हैं बस वही रहता है। खैर, अब कॉलेज से घर आने के बाद मेरे दादाजी मुझे अपने पास बुला लेते और मुझे कई तरह की बातें बताने लग जाते। और जब कभी भी मुझे किसी चीज की जरूरत होती थी तो वो हमेशा ही मुझे ही पुकारते थे। खैर, ऐसे ही दिन निकलते चले गए। लेकिन कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ अजीब ही घटना हो रही थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं रात को खाना खाने के बाद चैन से सो जाती, लेकिन जैसे ही 12 बजे का समय होता मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी आंखें कैसे खुल जाती हैं और मैं दबे पांव सीधा घर की छत पर चली जाती हूँ और वहां पर जाकर लेट जाती हूँ। सवेरे उठकर जब देखती तो मैं अपने आप को छत पर पाती। हालांकि मैं खुद चलकर छत पर आती हूँ, इतना तो मुझे पता चल जाता है, लेकिन उसके बाद मेरे साथ क्या होता है इसका मुझे जरा भी पता नहीं चलता। सवेरे उठकर देखती तो मेरा पूरा बदन दर्द के मारे कराह रहा होता था। बिखरे बालों के साथ मैं जैसे तैसे अपने शरीर को संभाल कर धीरे से अपने कमरे में आ जाती, क्योंकि माँ पिताजी अगर मुझे इस हाल में छत पर देख लेते तो समझ में नहीं आता वो कैसा व्यवहार करते। लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतनी रात को छत पर कैसे पहुँच जाती हूँ और मेरे पूरे शरीर के साथ ऐसा क्या होता है। हालांकि मेरे पूरे बदन में इतना दर्द होता था जैसे किसी ने मुझे पूरे छत में घसीटा हो। लेकिन घर में तो मेरे माँ पिताजी और दादाजी के अलावा कोई भी नहीं रहता और हमारा घर तो इस कदर बना हुआ है कि अंदर से एक बार कुंडी लगा ली जाए तो उसके बाद घर में आना किसी का भी नामुमकिन है। लेकिन जैसे ही 12 बजे का समय होता मैं झट से उठ खड़ी होती और सीधा छत पर जाकर सो जाती। मेरे साथ आखिर हो क्या रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इन सब चीजों का इतना मुझ पर प्रभाव पड़ गया कि मैं अपना मन भी पढ़ाई में नहीं लगा पा रही थी। हालांकि मैं कॉलेज तो जाती थी, लेकिन मेरा क्लास में किसी भी तरह मन नहीं लगता। सब लड़कियां मुझसे पूछती थी कि आखिर तू किन विचारों में खोई रहती है, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों होता है। घर पर माँ पिताजी भी इस तरह के सवाल करते रहते हैं, लेकिन मैं क्या बताऊं,
क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। मेरे मन में तो हमेशा बस यही बात चलती है कि पता नहीं मेरे शरीर के साथ आखिर ऐसा क्या होता है और मैं छत पर कैसे पहुंच जाती हूं। अब तो मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता, ना ही मैं माँ के साथ पार्लर जाती हूँ और ना ही घर में किसी भी चीज़ की फरमाइश करती हूँ। पहले मेरा कुछ भी खाने का मन होता था तो मैं अपनी जिद से ही मंगवा लेती थी और मेरी जिद करने से पहले ही माँ पिताजी मेरे सामने हाजिर कर देते थे। लेकिन जब से ये हादसा मेरे साथ होने लगा है उसके बाद तो मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, ना ही मैं ढंग से कुछ खा पाती हूँ। शायद इसी वजह से माँ को भी मेरे ऊपर शक होने लगा था। वो एक दिन मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि बेटी सपना, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है तो तू मुझे बता सकती है। मैं तुम्हारी माँ कम और दोस्त ज़्यादा हूँ। तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक मैंने सारी ज़रूरतों को पूरा किया है और एक सहेली की तरह ही तेरी हर बातों को माना है, तो तू इस तरह गुमसुम क्यों रहती है? मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। क्या तुम्हें पढ़ाई की कोई टेंशन है? तभी मैंने मन में सोचा कि अगर मैंने सब कुछ माँ को बता दिया तो वे बेवजह परेशान हो जाएंगी और घर में तमाशा हो जाएगा और पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। क्योंकि यूं अचानक उठकर रात को छत पर चले जाना और पूरी रात इस कदर होना, उन्हें तो शायद मेरी ही गलती नजर आएगी, क्योंकि ऐसा हादसा किसी के साथ कैसे हो सकता है। तभी मैंने माँ के सामने अपनी झूठी हंसी लेते हुए कहा कि नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बस मुझे थोड़ा सा सर में दर्द रहता है जिसकी वजह से मैं यूं रहती हूँ। जब मैं तबीयत में सुधार कर लूँगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। तभी माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई परेशानी लगे तो हमें ज़रूर बताना। तभी मैं माँ के जाने के बाद सो गई। अब मेरी आंखों में आंसू थे क्योंकि मैं जिन हालातों से गुजर रही थी उन हालातों से तो शायद ही कोई गुजर सकता है। मैं किसी को भी बता नहीं सकती थी। अपने नाखून टूट जाने पर पूरे घर को सर पर उठा लेती थी। आज वही लड़की इतने दुखों को अकेले सहन कर रही है। मैं अपनी माँ, जो मेरी सहेली ही थी, उन्हें भी अपने दुख को नहीं बता सकती थी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इस परेशानी से कैसे निकलूं। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं माँ से बता ही देती हूँ। लेकिन फिर मैं डर गई कि कहीं माँ को बुरा लग गया या फिर उन्होंने मेरी ही गलती समझ ली तो शायद मेरा जो लाड प्यार है वो छिन ना जाए, सब लोगों की नज़रों में मेरी जो जगह है वो शायद बदल ना जाए। इसीलिए मैं डर की वजह से किसी को भी नहीं बता पाई। लेकिन शायद शक तो सभी को हो गया था, क्योंकि जिस तरह मैं व्यवहार कर रही थी और इतनी बदली हुई थी, सबको लग रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ बात है। अभी एक रोज़ कॉलेज में सभी विद्यार्थियों को एक टूर पर ले जाने का प्लान बनाया गया। मेरी सारी सहेलियां तैयार हो गई। मैंने भी सोचा कि शायद मुझे भी चले जाना चाहिए, क्योंकि घर से कुछ दिन दूर रहूंगी तो शायद मेरे दिमाग से वो सब बातें निकलेंगी और आखिर मुझे भी तो पता चले कि ये जो रात को 12 बजे मेरे साथ चमत्कार होता है वो क्या कहीं घर से दूर जाने के बाद भी होता है। इतने सारे सवालों के साथ मैं जैसे ही घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि आज जल्दी घर कैसे आ गई। तभी मैंने उनसे कॉलेज टूर जाने की बात कही। तभी माँ और पिताजी दोनों ने ही हाँ बोल दी और कहा कि ठीक है, अपनी सहेलियों के साथ कुछ दिन घूम फिर आओगी तो तुम्हारा भी दिमाग सही रहेगा। कुछ दिनों से तुम जो गुमसुम रहती हो, शायद तुम वापस वही हंसने खेलने वाली सपना बन जाओ। तभी दादाजी बाहर से आते हुए पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, इस तरह खिलखिलाकर क्यों हंस रहे हो? तभी पिताजी ने कहा कि कुछ नहीं, बस यूं ही सपना के कॉलेज से टूर जा रहा है इसलिए वो भी जाएगी। तभी दादाजी ने ऐसा सुनते ही मानो उनके तो तेवर ही बदल गए। वो गुस्से में आ गए और बोले कि कहीं भी नहीं जाना, आप लोगों को पता है ना कि मैं अपनी सारी प्रॉब्लम सपना को बताता हूँ और वही मेरी दवाई से लेकर सारी चीज़ों का ख्याल रखती है। अगर वो चली गई तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? तभी पापा ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, 5-6 दिनों की ही तो बात है, 5 दिनों के बाद सपना वापस लौट आएगी, तब तक हम लोग आपकी देखभाल कर लेंगे। तभी दादाजी ने कहा कि नहीं, आप लोग समझ नहीं रहे हो, सपना नहीं जा सकती। तभी पिताजी ने कहा कि आपको हो क्या गया है, पहले तो आपने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया। तभी दादाजी बिना कुछ बोले कमरे में चले गए। मैंने पिताजी से कहा कि क्या मैं नहीं जा पाऊंगी? तभी पिताजी बोले कि कोई बात नहीं है बेटा, तुम चली जाओ, पिताजी को मैं समझा दूंगा।
तभी मैं अपने कमरे में गई और टूर पर जाने के लिए पैकिंग शुरू कर दी। दूसरे दिन पिताजी मुझे सामान के साथ कॉलेज छोड़ आए और हम लोग टूर के लिए निकल गए। लेकिन मेरे दिमाग में वही सब बातें दौड़ रही थी। सारी लड़कियां पूरे टूर का एंजॉय कर रही थी और हंसी से गीत गा रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में वही सब बातें चल रही थी कि कहीं रात को 12 बजे मेरे साथ फिर से वही हुआ तो क्या होगा। घर पर तो जैसे तैसे मैं खुद को संभाल लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर तो देर रात तक सब जागेंगे, पता नहीं सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तभी मैंने दिमाग में सोचा कि क्यों ना मैं अपनी सहेली को सारी बातें बता देती हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ बचपन से ही थी और हमेशा से ही हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी सारी बातें शेयर करती थी। तभी मैंने अपनी सहेली उषा से सारी बातें कर डाली। तभी उषा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो तुम्हारी प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आ रही है, लेकिन खैर तुम फिक्र मत करो, जब तुम सो जाओगी तो मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी। जब भी तुम्हारे साथ ऐसी कुछ घटना होगी तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। तभी मुझे उषा की बातों से कुछ संतुष्टि हुई। हम लोग टूर पर चले गए और वहाँ पर पूरा दिन काफी इंजॉय किया और रात को सो गए। लेकिन मुझे तो घबराहट के मारे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मैं जैसे तैसे सो गई। अब उषा मेरे पास बैठे बैठे मोबाइल देखने लगी, क्योंकि उसने बोला हुआ था कि वो मेरा ध्यान रखेगी। फिर ऐसे ही सवेरे जब उठकर मैंने देखा तो उषा सो रही थी। मैंने उठाकर उसे पूछा तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो लगभग सवेरा होने वाला था तभी सोई थी, लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना तो तू उठकर कहीं पर गई और ना ही तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी होता है वो घर पर ही होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर घर पर ऐसा क्या है। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि हो सकता है कि वो मेरा बुरा सपना हो और मैं खुद ही सपने में अपने कपड़ों को उथल पुथल कर लेती हूँ और यूं ही भारीपन कर लेती हूँ। हो सकता है कि आज ऐसा नहीं हुआ तो आगे भी ना हो। खैर, ये सब सोचते सोचते मेरे मन से कुछ टेंशन कम हुई और मैंने ट्रिप को खूब इंजॉय किया और कुछ दिनों बाद मैं घर पर वापस लौट गई। अब मुझे संतुष्टि थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर 4 से 5 दिन मैंने गुजारे हैं, वहाँ पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि अब शायद नहीं होगा। लेकिन घर पर आने के बाद जैसे ही रात के 12 बजे मैं सीधा उठकर छत पर चली गई और सवेरे उठकर देखा तो वही सब मेरे साथ हुआ पड़ा था। अब तो मैं और ज़्यादा घबरा गई। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं पूरे घर में कैमरे लगवा देती हूँ, तब सब कुछ पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तभी मैं चुपके से कैमरे की दुकान पर गई और कुछ कैमरे छत पर और अपने कमरे में और आंगन में फिट करवा दिए। कैमरे इतने छोटे थे कि हर किसी को आसानी से दिखाई ना दे। यह बात मैंने अपने माता पिता और दादाजी किसी को भी नहीं बताई थी। रात का समय हुआ तो रोज की तरह मैं उठकर छत पर चली गई। सवेरे उठने के बाद फिर से मेरे साथ वही हलचल हुई पड़ी थी, लेकिन आज मुझे संतुष्टि थी कि सब कुछ कैमरे के अंदर दिखाई दे जाएगा। मैंने जैसे ही अपना लैपटॉप खोला तो मेरी चीख निकल गई। अचानक मेरी चीख सुनकर माँ पिताजी भी वहीं पर आ गए और दादाजी भी आ गए। पिताजी ने कहा कि क्या हुआ, तुम ऐसे चिल्लाई क्यों। अब मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने झट से लैपटॉप को दूर रख दिया और माँ के गले से लग गई। माँ ने कहा कि बात क्या हुई है, जरा हमें भी बताएगी। तभी मैंने लैपटॉप की तरफ इशारा कर दिया। पिताजी ने लैपटॉप खोला और उसे देखा तो उसके बाद तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। वो झट से कमरे से बाहर गए और दादाजी को पकड़कर कमरे में ले आए, क्योंकि उस कमरे में सब कुछ आ चुका था। अब सब कुछ दादाजी के मुंह से सुनना बाकी था। तभी पिताजी ने कहा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। अभी पिताजी कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। तभी पिताजी ने वो लैपटॉप दादाजी के सामने रख दिया। अब दादाजी ने हाथ जोड़ लिए और वहीं जमीन पर बैठ गए और कहने लगे कि जब से तुम्हारी माँ गई है उसके बाद से मैं बहुत उदास रहता था। मुझे एक बाबा मिले थे, उस बाबा ने कहा था कि तुम्हारी पत्नी को मुक्ति नहीं मिली है, तुम उसे याद करते हो इसीलिए वो तुमसे मिलने के लिए तड़प रही है। उनकी बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया और उन बाबा से अपनी पत्नी से बात करने का उपाय पूछने लगा। तभी उस तांत्रिक ने कहा वो एक कुंवारी लड़की के शरीर में आ सकती है, मेरे पास ये अभिमंत्रित पानी है, ये पानी उसे पिलाना होगा। मैं सोच में पड़ गया कि कुंवारी लड़की कहाँ मिलेगी। तभी मुझे सपना का ख्याल आया, सोचा कि ये बच्ची है, ये कुछ भी समझ नहीं पाएगी।
तभी मैंने इसके साथ ये सब करना शुरू कर दिया। जब ये सोने के लिए पानी की बोतल लेकर आती है तो मैं उसके अंदर कुछ ऐसी दवाई मिला देता हूँ जिसकी वजह से इंसान नींद में चलने लग जाता है, और सपना भी ये पानी पीकर सोती थी। तो लगभग 2-3 घंटों के बाद जब वो दवाई असर करती तो सपना नींद में चलकर छत पर चली जाती है, और फिर मैं वो तांत्रिक का दिया हुआ पानी पिला देता था। पानी पीते ही तुम अपने होश में नहीं रहती थी, तुम अजीब अजीब सी हरकतें करती थी, कभी अपने बाल नोचने लगती, कभी अपने कपड़े खींचने लगती, और तो और तुम अपने शरीर पर खरोंच के निशान बनाने लगती। मेरी समझ में कुछ ना आता। मैंने ये बात उस तांत्रिक को बताई तो उसने कहा, तुम्हारी पत्नी तुमसे नाराज है, इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है। अपनी पत्नी के नाम से तुम्हें पूजा करवानी होगी, तभी उसे मुक्ति मिलेगी। 1 महीने तुम्हें ऐसे ही अपनी पत्नी को बुलाना होगा और उसके हाथ को पकड़कर प्यार भरी बातें करनी होगी। मैं उस बाबा को पूजा करने के लिए 1 लाख रुपए भी दे चुका हूँ, और इसीलिए हर रात मैं छत पर जाकर सपना के साथ रहता हूँ, क्योंकि सपना के शरीर में मेरी पत्नी का आगमन होता है। मैं ये सब सुनकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। माँ पापा भी हैरान होकर दादाजी को देख रहे थे। पापा ने फौरन दादाजी से उस तांत्रिक का पता लिया और पुलिस को कॉल किया। थोड़े ही टाइम में उस तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह के ढोंगी बाबा पैसा बनाने के चक्कर में लोगों की खुशियों को छीन लेते हैं। मैंने अपने दादाजी को माफ़ कर दिया था क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते थे। जब हमारे बड़े अकेले पड़ जाते हैं तो वो बच्चों की तरह हो जाते हैं। हम लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, बुजुर्गों को भी हमारे साथ और अपनेपन की ज़रूरत होती है। हमें कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही शिक्षाप्रद कहानियों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।